हम दो बेसिक चीज़ों को समझते हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ये टर्म्स आपने माइक्रो इकनॉमिक्स कोर्स में भी इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में भी आप पढ़ते हैं लेकिन माइक्रो इकनॉमिक्स में हम इनको थोड़ा सा डिफरेंटली डिफाइन करते हैं जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट इन लॉन्ग रन

शॉर्ट रन एन अदर वे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन ये है कि विद रेफरस टू बिजनेस साइकिल भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं वो पीरियड दैट इज लॉन्गर दैन बिजनेस साइकिल पीरियड वो हम लॉन्ग रन कंसीडर करते हैं और विद इन अ बिजनेस साइकिल जो पीरियड है उसको शॉर्ट रन कंसिडर करते हैं सो so, एक अदर अनदर डिफरेंस बिटवीन रिच एंड डिवेलपिंग नेशन सो मैक्रो इकनॉमिक प्रस्पेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो जो और इस डिफ्रेंस को अगर हम मैक्रो इकनॉमिक प्रस्पेक्टिव से हम समराइज़ करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट्स जो है न ये बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन रिच एंड डिवेलपिंग नेशंस को रिच नेशन्स वो हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली एक लम्बे अरस तक एक अच्छा ग्रोथ रेट जिन्होंने इंजॉय किया है तो वो रिच नेशंस हो जाती हैं पुअर नेशंस वो हैं जो या तो कोई अच्छा ग्रोथ रेट उन्होंने हिस्टोरिकली नहीं अवेल किया या अगर कभी अच्छा ग्रोथ रेट उन्हें मैसर आया भी है तो फिर उसके बाद जो डिक्लाइंस आ गए और वो ऑफसेट हो गए तो हम इस एंगल से इसको देखेंगे कि ग्रोथ रेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है ग्रोथ रेट में एक बहुत स्मॉल सी जो चेंज है वो लॉन्ग रन में उसका इम्पेक्ट बहुत हीज हो जाता है इस इस कॉन्टेक्स्ट में आप फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में ये टर्म सुनी होगी रूल ऑफ सेवेंटी रूल ऑफ सेवेंटी ये है एक सिंपल सा एक फार्मूला है कि अगर ग्रोथ रेट वन परसेंट है तो सेवेंटी इयर्स में किसी इकोनॉमी की इनकम पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल हो जाएगी सो so, अगर ग्रोथ रेट टू परसेंट हो जाता है तो सेवेंटी इयर्स की बजाय वो थर्टी फाइव ईयर्स में डबल हो जाएगी सो सेवेंटी डिवाइडेड बाई द ग्रोथ रेट सो दिस विल गिव यू द पीरियड टू डबल द वेरिएबल अमाउंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सो अगर ग्रोथ रेट किसी इकोनॉमी का सेवन परसेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दस साल में अपनी पर कैपिटल इनकम को डबल कर सकेगा सो so, इस हवाले से हम देखेंगे कि बहुत एक स्मॉल सी यानी ग्रोथ रेट वन परसेंट से टू परसेंट होता है तो डबल होने का जो टाइम है वो सेवेंटी से कम होकर थर्ट थर्टी फाइव ईयर हो जाता है और इसी तरह अगर थ्री परसेंट हो जाएगा तो वो थर्टी फाइव से कम होकर ट्वेंटी थ्री हो जाता है सो ग्रोथ रेट में एक बहुत स्मॉल सी जो इंक्रीज है वो उसका इंपैक्ट लॉन्ग रन पर बहुत ज़्यादा होता है ओके ग्रोथ थ्योरीज़ जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में वो दो बेसिक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करती हैं पहला क्वेश्चन ये है कि वट आर द डिटर्मिनेट्स ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ हर मुल्क ग्रो करना चाहता है कुछ उसमें कामयाब हो जाते हैं और कुछ कंट्रीज़ उसमें कामयाब नहीं हो पाते सो so, क्या उसके डिटर्मिनेट्स क्या हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग रन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं तो ग्रोथ थ्योरीज इसको आंसर करने की कोशिश करती हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर अगर फोकस किया जाए तो ग्रोथ रेट को इम्प्रूव किया जा सकता है सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हो रहा है ओवर द टाइम क्या रिच और पुअर कंट्रीज़ का जो डिफरेंस है इज़ इट डिक्रीजिंग ओवर टाइम और इट इज़ इंक्रीजिंग ओवर टाइम ठीक है टेक्निकली हम ये कहेंगे क्या रिच और पुअर कंट्रीज़ कन्वर्ज कर रहे हैं ओवर टाइम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या एक दूसरे डाइवर्ज कर रहे हैं एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो ये दो बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको ग्रोथ थ्योरीज़ में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे पहला क्वेश्चन ये है कि ओवर टाइम कोई भी कंट्री जो ग्रो करता है ठीक है ओवर टाइम ग्रोथ के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं यानी किसी भी आप अमेरिका की अगर आप एग्जाम्पल लें तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सेवन टाइम्स इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो सिटीजन्वन टाइम्स कम काम करके पहले जैसा अपना लिविंग स्टैंडर्ड को इंजॉय कर सकते हैं ठीक है और दूसरा ये कि अमीर और गरीब मुल्कों में जो फ़र्क है ये क्या हो रहा है ओवर टाइम कम हो रहा है ये बढ़ रहा है हैं इसमन में दो स्कूल ऑफ थाट हैं न्यू क्लासिकल एंड एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल्स न्यू क्लासिकल जो स्कूल ऑफ थाट हैं उनके ख्याल के मुताबिक जो ग्रोथ है वो एक्सोजेनस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्जोजीनस है उन मॉडल्स में और इन्वेस्टमेंट और इसके ज़रिए से ग्रोथ वो डिटरमिन होती है और एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल जो हैं वो टेक्नोलॉजी को भी विद इन द मॉडल वो उसको इंक्लूड करते हैं और ग्रोथ को डिस्कस करते हैं